प्रातः क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968 गुरुवार को सातवें पेज में मध्यांत में काम बात चल रही थी कि पानी का स्नान करने से कोई बुद्धि पवित्र नहीं हो जाती है और पानी तो व्यक्ति रोज पीता ही है, पानी बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता। वो बात कहते भी है जल ही जीवन है, परंतु यहाँ तो ज्ञान जल की बात है ना, है तो ज्ञान जल समझना इतना दूर अंदेशी कोई की बुद्धि नहीं जाती। ऐसे समझने वाले हैं, समझाने वाले भी ऐसे ही, तो फिर उनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, जानवर बुद्धि। अब ये सभी बातें समझानी पड़ती है। स्थूल जल की बात नहीं है, और स्थूल शरीर की बात नहीं है, आत्मा तो अव्यक्त है ना, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इन आंखों से देखने में भी नहीं आता। तो उस सूक्ष्म आत्मा का बाप भी अति सूक्ष्म, वो आकर के बताते हैं कि मैं तो अखूट ज्ञान जल का भंडार देकर के तुमको ज्ञान सागर बनाता हूं, ज्ञान नदियां बनाता हूं, और फिर पोखरे टुबके बनते रहते हैं। क्योंकि ज्ञान जल कम धारण करते हैं, तो बाबा जैसे समझाते हैं ना, जो उस पानी की गंगा में स्नान करते हैं उनको बुला करके समझाओ। और देखो इलाहाबाद में जाते तो सब है ना, है हद के इलाहाबाद में भी जाते हैं, और बेहद का भी इलाहाबाद है या नहीं, है कहाँ है, है पता है, अल्लाह का बाद है, कितना मेला लगता है अल्लाहाबाद में, है पते से पावन बनने का मेला लगता है। तो शूटिंग में भी ऐसे ही होता होगा ना, कोई पानी की नदियों में स्नान करेंगे या ज्ञान सागर में स्नान करने वाले आते हैं, है पानी की नदियों में स्नान करते रहते हैं, मेले लगते रहते हैं, है समझते हैं पतित से पावन बनने का मेला है। कोई कोई तो पानी में ही डूब मरेंगे। अच्छा जो भी वहां आते हैं मेले में वो पानी कहाँ पीते हैं, पेट में अंदर जाता है ना, है उसमें तो ये धोते हैं शरीर को बैठ करके, उसमें गुल्लियां करते हैं, है गुल्लियां माने कुल्लियां करते हैं,
मुख में डाल डाल करके गल गल करके उसमें डाल दिया। देखो अब ये हद की गंगाओं की भी बात है और बेहद की ज्ञान गंगाओं की भी बात है। अच्छा मान लो वो पानी पिया, निकलता कहां से? अरे वो पानी मशीन से निकलता है ना, सारे शहर में पहुंच जाता है। तुम बच्चों को तो पता है सिंध में कितना पीते थे सिंध नदी का पानी, देखो तुम जानते हो वहां सिंधु नदी में भी तो मशीन लगी हुई थी ना, पानी वहां से आता। और फिर वो नाला देखा है ना, लंबा नाला वहां से निकला हुआ जो सिंधु में ले जाते हैं। अब ये बातें समझने की बुद्धि तो नहीं है, फिर भी जाएंगे दंड पर स्नान करने। फिर भी इतना समझाते हो फिर भी जाएंगे स्नान करने, क्यों जाते हैं? अरे तुम वहां क्यों जाते हो, तुम तो पानी यहीं पीते हो ना, है पेट में जाता है। अब स्थूल पानी स्थूल पेट में जाएगा, सूक्ष्म पानी ज्ञान का बुद्ध रूपी पेट में जाता है। तो रोज तुम्हारे में पानी जाता है, जब पानी पीते ही रोज हो तो फिर वहां क्यों जाते हो? है बुद्धि से भी जाते हो, वाचा से भी जाते हो, कर्मेंद्रियों से भी जाते हो ना, कहां है? बुआद की गंगाओं में कि बेहद की गंगाओं में भी जाते हो? भक्ति मार्ग में हद की गंगाओं में जाते थे और अभी समझते हैं हमने ज्ञान ले लिया तो जाते तो है ना, और उन्हीं से स्नान भी तो करते हो ना। तो देखो कितना स्नान है। अभी हम उस विचार से थोड़े ही पढ़ेंगे, बड़ा दिन हो गए तो जाकर के वहां दंड पर स्नान करें, तालाब पर स्नान करें या द्रौपदी कुंड में स्नान करें। तो देखो कितनी मूर्खता है, कुंड में तो पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर कितना नहाते नहाते गंदला हो जाता है, है? हद का द्रौपदी कुंड का भी कि बेहद का भी द्रौपदी कुंड का, है? दोनों का कितना गंदला हो जाता है, है? सो भी बाबा कहते कि जहां नदी और वो भी नहीं है ना, नदी भी नहीं है अभी, यहां बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं और पानी देखो तालाब का कितना मैला हो जाता है। फिर वो देखो तालाब की मिट्टी लेकर के मलते, हद का तालाब, जड़ तालाब या चैतन्य तालाब? हाँ चैतन्य तालाब में भी टूटे लगाते रहते हैं और ज्ञान जल पीते रहते हैं और उसकी मिट्टी लेकर के भी मलते हैं, है ना? अब कौन है ना का जवाब दे, क्योंकि इनसे भी तो शरीर होगा ना, है मिट्टी मलेंगे शरीर में तो क्या होगा, शरीर ही साफ होगा ना।
जो ये सभी सभी करते रहते हैं। अब ये तो तुम बच्चों को बैठ करके बाप समझाते क्या कि नदियों में तालाबों में है टुबके में स्नान करने से या उसकी मिट्टी देह अभिमान की मिट्टी मलने से तुम्हारी आत्मा थोड़ी शुद्ध बनेगी है? मन बुद्धि रूपी आत्मा शुद्ध बनेगी क्या है? तो समझाते तो हैं, बाकी जो भी बड़े बड़े हैं है जो भी आते हैं अपन को बड़ा समझते हैं ना, तो पहले दो चित्र उनके सामने रख देना चाहिए। कौन कौन सा चित्र? ये राम का चित्र रख दो सामने और ये रावण का चित्र सामने रख दो। इसको एक मुख राम को और रावण को अनेकों मुख तुंडे तुंडे मतलब भिन्ना। तो बोलो अभी इन दोनों सिरों में से किसका राज्य है? एक सिर वाले का राज्य है या रावण का राज्य है? भला देना चाहिए ना वो चित्र। तो देखो क्या कहते हैं, समझाना चाहिए। देखो और चित्रों में तिथि तारीख भी लगी हुई है, है? क्या सतयुग त्रेता में 2500 साल राम राज्य और द्वापर कलयुगी जो द्वैतवादी युग है ना, जिनमें दो दो धर्म दो दो राज्य दो दो भाषाएं दो दो कुल दो दो मत हैं, दो से चार चार से आठ बढ़ती जाती है। तो ऐसे द्वैतवादी द्वापर कलयुग में है किसका राज्य? अनेक सिरों का राज्य है कि एक सिर वाले का राज्य है? अनेक सिर वालों का राज्य चलता है। और देखो उस राज्य में क्या होता है, वो धरणी में खाद पड़ती जाती है कि कम होती है? आजकल तो कौन सी खाद डालते हैं, नाम ही क्या है उसका? यूरिन से जो नाम बनता है, यूरिया। तो देखो खाद तो पड़ती जाती है, हम मनुष्य की बुद्धि वो खाद पड़ने से खाद का भोजन खाने से क्या होगी, बुद्धि तमो प्रधान बनेगी या सत्व प्रधान बनेगी? बुद्धि तमो प्रधान बनेगी। तो इसको क्या कहेंगे, कौन सा राज्य है? अनेक सिरों का रावण राज्य कहेंगे ना। तो देखो उस रावण के ऊपर ये अनेक सिर लगे हुए हैं, समझाने के लिए लगे है ना चित्र में है? उसकी राजाई भी चलती है, उन अनेक सिरों की राजाई चलती है ना देश देशांतर में। अरे प्रजातंत्र राज्य भले है लेकिन राजाई तो चलती है ना, तो उसको कोई राम राज्य नहीं कहेंगे। अनेकों का राज्य है उसको राम राज्य कहेंगे क्या? नहीं। अच्छा आज दुनिया में जो भी प्रजातंत्र राज्य फैला हुआ है अनेक धर्म पिताओं के द्वारा अनेक राज्यों के द्वारा है? प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करने वाला कौन, भारत में कौन है? नाम मालूम है? नहीं भूल गए है? दादी दयानंद। अरे बेहद में भी बता दो, बहुत दया कर दी है उसमें, आनंद तो बहुत आया होगा है? गांधी जी, गांधी जी ने प्रजातंत्र राज्य स्थापन किया है या रव राज्य स्थापन किया? कौन सा राज्य स्थापन हुआ? प्रजातंत्र। तो इसको कोई राम राज्य कहेंगे? कहते थे गांधी
कि हम राज्य स्थापन राम का करते हैं, राम राज्य स्थापन करते हैं है? अब है क्या प्रैक्टिकल में, रावण राज्य है या राम का राज्य है? रावण राज्य। तो उस रावण राज्य को तुम बच्चे अभी चेंज करना चाहते हो क्या? इन अनेक सिरों का राज्य खत्म हो और एक का राज्य आरंभ हो तो क्या करना पड़े? अरे रामलीला खेलते हैं ना तो क्या करते हैं? रावण के सिर काटते हैं ना है? तो काटते जाते हैं, काटेंगे तो चेंज हो जाएगा। अभी तक कुछ चेंज किया क्या है? कि और ही रावण राज्य में हंगामे बढ़ते जाते हैं है? और ही बहुत बहुत भारी हंगामे होते जाते हैं। दिन प्रतिदिन जास्ती बहुत बड़े हंगामे होते हैं। तो ये तो हम जानते हैं बच्चे, जो भी तुम थोड़े बहुत बच्चे हैं ना, जो भी माला के दाने का बनने का शौक रखते हैं और माला का दाना बनने के लिए सर्विस में लगे रहते हैं, दिन प्रतिदिन लगे ही रहते हैं, बस उनको सर्विस किए बगैर सुख आता ही नहीं। जैसे देखो ये मनोहर बच्ची है, हैं? कितना सुख देती है, सर्विस बिगड़ उनको सुख आता ही नहीं है बिल्कुल। ज्ञान सुनाए सुनाए के सबके मन को हर लेती है, जिस जिसको भी कहते हैं, जिन जिन को भी सुनाती है वो आपे ही फिर चक्कर लगाते रहते है। तो उस बच्ची को कहा जाता है सबसे बोल क्या? इतनी बहने हैं, इतनी दीदी दादियां हैं, बीके में पीबीके में नाम किसका दिया? मनोहर बच्ची का नाम दिया है। खासियत क्या बताई? वो यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री बताती है। इसका मतलब और क्या करती है? उसके मुकाबले और जो है यज्ञ की हिस्ट्री मिक्स करके बताती है, सच्ची हिस्ट्री नहीं बताती। तो सच्चाई बताने से सर्विस होगी या झूठी बात बताने से सर्विस होगी है? सच्चाई बताने से सर्विस होती है। तो इनको सच्चाई का पता चलता है वो फिर अपने आप ही आते रहते हैं। तो देखो ये मनोहर बच्ची कहीं भी जाने से डरती नहीं है, नहीं तो और ब्रह्मा कुमारियों को देख लो, जहां जो जोनल इंचार्ज बन के बैठ गई बस ट्रांसफर होती ही नहीं है, बहुत डरती है जाने में, ट्रांसफर होने में। और ये मनोहर बच्ची तो बिल्कुल कहीं भी बोल दो, कितनी भी जगह भेजते रहो, कितना भी ट्रांसफर करते रहो, जहां जाएगी वहां सेवा ही करेगी ना। हा? और जो और बच्चे और बच्चियां हैं वो तो देखो है कहां भी जाने से डरते रहते, पता नहीं कैसे कैसे जिज्ञासु मिलेंगे है। हमने तो इतने अच्छे अच्छे जिज्ञासु तैयार किए, संगठन बनाया, हमारी खुट्टे बर्दारी भी करते रहते हैं, अब नई जगह जाएंगे तो हमें फिर नया बनाना पड़ेगा है। अब देखो वो बच्ची तो है बड़े आदमियों के पास जाने से भी हिचकती नहीं है, है? और देखो ये भी उमर आई क्या? कोई बच्ची का नाम उमर आई
कहां कहां चली जाती है। तो भी देखो क्या कहेंगे, इनमें हिम्मत तो है ना, इसमें साथ साथ में साथी भी मिल जाते हैं इनको, झट चार छह साथी खड़े हो जाती है और चली जाती है नए नए महल में, मकानों में, नए गांव में चली जाती है। तो वहां उनको मिल जाते हैं सर्विसार्थ, और कोई न कोई तो मिल ही जाते हैं, अच्छे आदमी तो कहां ना कहां होते ही है ना। तो फिर उनको मदद देते हैं, किनको, दो का नाम लिया, उमराई का और मनोहर का, और प्रबंध भी देते हैं, कोई मकान भी देते हैं, लो मकान ले लो, इसमें बैठ के सर्विस करो। भले वो समझती है मैं कोई इतना होशियार नहीं हूं, कौन कौन समझती, मनोहर है, मनोहर तो बहुत होशियार है, उमराई हाँ शायद होशियार हो जाएगी, होशियारी आ जाएगी हाँ। जब होशियारी आ जाएगी तो और ही जलवा दिखावेगी हाँ। फिर तो कोई भी सामने पोजीशन वाला आ जावे, मेल आ जावे सामने या फीमेल आ जावे, फीमेल के आगे फीमेल भी खुशी से रहती है। यूं तो साधु संत महात्मा ये सभी मेल से है ना, और फीमेल से के ढेर लग जाते हैं वहां, कहां जब समझाने वाली होशियार हो जाती है तो फिर जलवा दिखाती है ना। तो यहां भी वो अगर जावे वो है ना, उनको पोशाक पोशाक हुआ है, वो तो समझते हैं कि साधु है, महात्मा है, सन्यासी है, पोशाक पोशाक होती है ना उनकी अपनी अपनी, सूट वूट वाले को कैसे समझेंगे कि ये साधु है सन्यासी है। अपने तो बच्चे सूट वूट भी पहन करके जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं कि नहीं, हाँ सूट वूट होके जाते हैं समझाते हैं। तो फिर माता है तो कुछ है, उनको मदद मिलती है, माता का मान होता है कुछ इसमें समझाने करने में, और फिर तुम सुनाते ही ऐसी बातें हो, नई नई ऐसी ऐसी नई नई बातें तो और कोई सुना ही नहीं सकता, परंतु ऐसे सुनाने वाले कम हैं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्ची अभी तो कम है, आगे चल के ऐसी बच्चियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और जो बहुत जलवे दिखावेंगी, निकलती जाएंगी, क्योंकि अभी तो फंसी हुई है ना बहुत अपने घर में, तो बाकी फंसी हुई, तो जैसे वो फंसी हुई है ऐसे यहां भी तो जैसे कि बहुत है हा? अरे कहां आके सरेंडर हो गए, फंस गए, फंसी हुई है ऐसे समझती है ना। तो यहां भी देखो फंसे हुए हैं है? अरे फंसे हुए क्यों हैं? अरे कारण क्या है, क्योंकि बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो तो धारण धारण करते ही नहीं, तो वो भी जैसे फंसे हुए हैं है? कहां ओम शांति।